देखिए, एडवांस टैक्सेशन का जो सिलेबस है उसका जो प्री रिक्विजिट पेपर है वो है टैक्सेशन, TX। लेकिन होता यह है कि या तो स्टूडेंट जब ATX में आते हैं तो या तो वो एग्जेम्पशन रूट से आ रहे होते हैं, या फिर उन्होंने TX का सिलेबस पढ़ा होता है काफ़ी साल पहले, कुछ साल पहले, जिसकी वजह से ये होता है कि जो TX की नॉलेज होती है वो उनके पास नहीं होती एडवांस टैक्सेशन पढ़ते वक्त। और TX का पूरा सिलेबस एडवांस टैक्सेशन के अंदर कॉपी पेस्ट है, पूरा सिलेबस शामिल है। तो हम जो अपने लेक्चर्स कवर करते हैं वो बेसिक से कवर करते हैं, ये एज्यूम करते हुए कवर करते हैं कि स्टूडेंट के पास जो है वो TX की कोई नो हाउ फिलहाल या तो है नहीं, या अगर थी तो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, पुराने फाइनेंस एक्ट के ऊपर स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ होता है। क्योंकि हमारा जो करंट फाइनेंस एक्ट चल रहा है वो चल रहा है FA 21। इवन इफ अगर किसी ने FA 20 पर भी काम किया हुआ है तो FA 20 के मेजोरिटी रूल्स FA 21 में सेम है, लाइक IHT बिल्कुल सिमिलर, नो चेंज। इसी तरीके से VAT के रूल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन में कुछ स्लाइट चेंजेस जो है वो आई हैं 21 से 21। तो आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो इस वक्त है FA 21, यानी कि टैक्स ईयर 21-22 का सिलेबस पढ़। अब आपका जो पेपर पैटर्न है उसको समझते हैं। आपका जो एग्जाम है वो दो सेक्शन से बन आता है, यानी कि टू सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। पहला सेक्शन विच इज सेक्शन ए, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स, और सेक्शन बी जो होता है उसके टोटल मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स। अब सेक्शन ए विच इज वर्थ 60 मार्क्स, उसमें दो सवाल आते हैं, टू कंपल्सरी केस स्टडी क्वेश्चंस, यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पहला सवाल सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है एंड इट इज वर्थ 35 मार्क्स। अब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग सवाल है, वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। व्हाई चैलेंजिंग क्वेश्चन? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है और मल्टीपल टैक्स इश्यूज एक साथ दिए हुए होते हैं, और नॉर्मली ये इनकम टैक्स, IHT और CGT, ये मिक्स टुगेदर एक सवाल बनता है जिसमें वैट का एलिमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल टैक्स इश्यूज डालता है एग्जामिनर उसमें, या वो कॉर्पोरेशन बेस्ड भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अच्छा, इस 35 मार्क्स के अंदर 4 प्रोफेशनल मार्क्स भी मौजूद होते हैं, जो हम आगे जाके बात करेंगे किस तरीके से लिए जा सकते हैं। यानी कि 31 मार्क्स नॉर्मल, 4 प्रोफेशनल मार्क्स मिलाकर 35 मार्क्स का ये सवाल बनता है। Q2 इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का होता है एंड इट्स वेटेज इज 25 मार्क्स। पूरे सेक्शन ए में कहीं ना कहीं आपके पास 5 एथिक्स के भी मार्क्स होते हैं, यानी एक छोटा सा पोर्शन है एथिक्स का, जिसमें जो भी टैक्स एजेंट है वो अपने क्लाइंट को जो भी सर्विसेज दे रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टूवर्ड्स क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टूवर्ड्स टैक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखता है तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। इजी मार्क्स हैं 5, अगर एथिक्स कवर कर लिया जाए तो ये 5 मार्क्स आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, ये सेक्शन ए के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो टोटल सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स के लिए अगर टाइम एलोकेट किया जाए एग्जाम स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 60 मार्क्स पूरे करने के लिए 108 मिनट्स होते हैं आपके पास, यानी कि अराउंड आप समझ लें 1.5 घंटे आपको लगाने होते हैं इसके ऊपर, और बाकी जो पेपर है आपको 1.25 घंटे के अंदर कवर करना होता है। लेकिन ये जो सेक्शन ए है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बाज दफा स्टूडेंट अननेसेसरी इतना टाइम लगा देते हैं कि वो एक पूरा सवाल सेक्शन बी का छोड़ के चले जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इसकी ग्रेजुअली आपको सीखना पड़ेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। सेक्शन बी इस हवाले से हल्का सेक्शन होता है कि वहां पर 2 सवाल होते हैं 20 मार्क्स ईच, जिसमें बिजनेस टैक्सेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है और पर्सनल यानी के इंडिविजुअल के टैक्स अफेयर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेक्शन बी इसलिए आसान होता है कि हर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग सिनेरियोज नहीं दिए होते, मल्टीपल टैक्स इश्यूज भी हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे टैक्स इश्यूज नहीं होते। जैसे इनकम टैक्स पे एक पूरा 20 नंबर का सवाल बना, कॉरपोरेशन पे पूरा 20 नंबर का बना, या IHT और CGT को मिलाकर एक 20 नंबर का सवाल बना, इस तरीके से सवाल बनते हैं।
कैलकुलेशन भी होती है पेपर में, नैरेटिव वर्क यानी कि थ्योरेटिकल डिस्कशन भी होती है, तीन तरह के आपको सवाल मिलेंगे। ओनली कैलकुलेशन जिसके चांसेस कम होते हैं, छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं। ओनली थ्योरी जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड थ्योरी प्लस आपको कैलकुलेशन नेसेसरी लगती है वो भी लाइक्लीहुड की ज्यादा होती है, ताकि एग्जामिनर जो है वो थ्योरी को भी टेस्ट कर ले और कैलकुलेशन को भी टेस्ट कर ले। लेकिन ज्यादातर पेपर आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, टेक्स रूल्स याद जो आपको है उसको आपको एक्सप्लेन करने एग्जामिनर को, तो इसलिए मेमोराइजेशन इज द की। जितने जल्दी जितने ज्यादा टेक्स रूल्स याद होंगे उतना एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अंदर टेक्स प्लानिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो कि टीएक्स लेवल पे मिसिंग होती है नॉर्मली। क्या आप प्लान करते हैं, आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे, किस सिचुएशन में आप उसका टैक्स बचा सकते हैं एथिकली लीगली, और डिफरेंट टैक्स के आपस में इंटरेक्शन क्या होती है। लाइक अगर एक शख्स के ऊपर आईएसटी लग रहा है तो सीजीटी लगेगा या नहीं लगेगा, सीजीटी लग रहा है तो आईएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इंडिविजुअल से अगर हम कंपनी की तरफ जा रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एग्जेम्पशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, रिलीफ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टैक्स पेमेंट की जो डेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। 3 घंटे का स्टैंडर्ड हमारे पास पेपर होता है और उसके अंदर हमें ये 4 सवाल मैनेज करने होते हैं, विच इज अ वेरी वेरी टाइम चैलेंजिंग पेपर। आपको कुछ पेजेस दिए जाते हैं जिसके अंदर टैक्स के रेट्स, अलाउंसेस और रिलीफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको गिवन होती है। 4 to 5 pages की ये शीट होती है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ होता है वो आपको मेमोराइज नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यूज टू होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करेंगे। उसके अलावा जितनी भी टेक्स्ट नॉलेज होगी वो सारी मेमोराइज करनी पड़ेगी। एग्जाम पास करने के लिए जो एरियाज हैं जो आपको कवर करने चाहिए, मेन मेन एरियाज हैं जो कवर करने चाहिए, उसके अंदर आपको यूके टैक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक इनकम टैक्स के बारे में, कॉरपोरेशन के बारे में, आईएसटी के बारे में। जो टीएक्स के अंदर टॉपिक्स नॉर्मली आते हैं ना, टीएक्स के जो टॉपिक्स होते थे, एक टॉपिक होता था सीजीटी, एक होता था आईएसटी, एक होता था इनकम टैक्स, नेक्स्ट कॉरपोरेशन एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ये टीएक्स के सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं, इसी को एटीएक्स में कैरी किया जाता है। ऑल अलोंग ये सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, बेसिक सारा शामिल होता है। और उसके अंदर फर्दर जो है नए नए इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका टैक्स निकालने का तरीका क्या होगा। इसी तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल सिचुएशन में टैक्स कैसे लगेगा, इंटरेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है, हाउ टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी, हाउ टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी थ्रू प्लानिंग। एक तरीका होता है कि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करें लीगली, एक तरीका होता है कि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को डेफर कर दें। आज आप टैक्स नहीं देना चाहते तो आप ऐसी कोई प्लानिंग करें कि आपको टैक्स 5 साल बाद देना पड़े, 10 साल के बाद देना पड़े, इसको हम कहते हैं डेफरिंग टैक्स लाइबिलिटीज। हाउ यू विल कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट्स, HM, रेवेन्यू एंड कस्टमर एंड अदर प्रोफेशनल्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एथिक्स के अंदर। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स में आपके जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने ना, आपको जो टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो टूल्स आप कैसे इस्तेमाल करेंगे जिस पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। अब इसमें कुछ टिप्स हैं यहाँ पर, एग्जामिनेशन टिप्स वगैरह हमारे पास आएंगी और उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोफेशनल मार्क्स के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में एज आई टोल्ड यू के 4 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, उसमें आपको एक फॉर्मेट बनाने को दिया जाता है, टिपिकली मेमो हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं, सही है। तो जो फॉर्मेट होगा ना उस फॉर्मेट के मार्क्स होंगे, कि अगर आपने फॉर्मेट ठीक बना दिया, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर फॉर्मेट बनाने का दे दिया जाएगा। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन क्लियर है, लेजिबल है, समझ में आ रही है एग्जामिनर को, तो एक मार्क्स उसका दे दिया जाएगा। आपकी एडवाइस चेक की जाएगी, आपने रेलेवेंट एडवाइस दी है,
कम्युनिकेशन आपकी कैसी हो रही है, क्वेश्चन के जो पार्ट क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर्ड है, एक ए पार्ट फिर बी पार्ट फिर उसका वन फिर उसका टू प्रॉपर। सो ओवरऑल आपने पेपर क्वेश्चन वन अटेम्प्ट कैसे किया है, कैलकुलेशन थ्योरी फॉर्मेट, उसके ऊपर 4 मार्क्स दिए जाते हैं जो कि इजीली मिल सकते हैं अगर एक स्ट्रक्चर अप्रोच इस्तेमाल की जाए तो। प्रैक्टिस के दौरान यू कैन लर्न। अब एग्जामिनर की रिपोर्ट से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट किए कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो एज अ कैंडिडेट कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं दे आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट अ गुड लेवल ऑफ एक्यूरेट नॉलेज ऑफ यूके टैक्स सिस्टम, यानी कि उनको बहुत अच्छी तरीके से टैक्स रूल मेमोराइज होते हैं, उन्हें पता होता है कि फला रिलीफ फला एग्जेम्पशन फला स्ट्रक्चर फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, और इसके अंदर टीएक्स की ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज सारी की सारी इंक्लूडेड होती है। और ऐसा नहीं है कि जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर सवाल नहीं बनेगा, बेसिक नॉलेज के ऊपर भी मार्क्स अवेलेबल होते हैं, ऑल दो कम होते हैं लेकिन अवेलेबल होते हैं। दूसरी टिप जो सक्सेसफुल स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्या आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को करेक्टली रीड करें, केयरफुली रीड करें, ये देखें एग्जामिनर कैलकुलेशन मांग रहा है थ्योरी मांग रहा है दोनों मांग रहा है, रेलेवेंट चीज मांग रहा है वो दें, अननेसेसरी लिखेंगे टाइम जाया होगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाज दफा कुछ चीजें सवाल में गिवन होती है कि जी ये आपको नहीं बताना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह रहा है कि लॉस रिलीफ के मेथड बताएं, देर आर मेनी मेथड्स अवेलेबल, लेकिन वो कह रहा है कैरी फॉरवर्ड मेथड नहीं बताएं, ये तो अंडरस्टूड बात है कि कैरी फॉरवर्ड मेथड वो करना ही नहीं चाहता, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ये ना बताएं, लेकिन अब स्टूडेंट आंसर में कैरी फॉरवर्ड मेथड की भी डिस्कशन कर रहा है तो अननेसेसरी डिस्कशन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर जो सवाल आता है उसके अंदर टास्क स्प्लिट आउट की हुई होती है डिफरेंट चीजों के अंदर, वहां से आपको पता लग जाता है कि जी इस टास्क के इतने मार्क्स हैं इस टास्क के इतने मार्क्स हैं। नंबर ऑफ मार्क्स को देखकर हम थ्योरी लिखेंगे, अगर मार्क्स आपके 2 या 3 नंबर दिए हुए तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मार्क्स अगर आपके 8 या 10 दिए हुए तो फिर आप फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, तो नंबर आपको गाइड करते हैं कि आपको कितना टाइम उस सवाल पर उस पार्ट पर लगाना है। लाइक 3 मार्क्स का अगर आपसे कहा जाता है कि जी एक्सप्लेन दिस, मार्क्स सिर्फ 3 है तो इसका मतलब ये है कि आप बस 5 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व कर दें, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास जर्नल इंफॉर्मेशन है टैक्स के बारे में तो आपको सिनेरियो को रीड करना है और सिनेरियो के ऊपर आपको नॉलेज को अप्लाई करना है, रादर देन ऐसा ना हो कि आपने जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और जो लिंक सिनेरियो में लिंकेज बनाना था वो नहीं दिया गया। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सवाल स्टार्ट करने से पहले आप उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपको कैसे सवाल को स्ट्रक्चर करना है उसके लिए थोड़ा सा प्लान किया जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनप्लैंड आंसर लिखते हैं जिसकी वजह से आंसर एग्जामिनर को लगता है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, डुप्लीकेशन हो रही है, पहले पार्ट में भी वही बात लिख दी दूसरे पार्ट में भी वही पार्ट लिख दी, इसको आप इग्नोर करें। अच्छा आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक एग्जाम स्टैंडर्ड का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो उसके अंदर जो एग्जामिनर की रिपोर्ट्स होती है ना उसको भी अच्छे तरीके से जो है ना स्टडी किया जाए, तो हम चलते हैं जरा कुछ एग्जामिनर की रिपोर्ट से भी कुछ फाइंडिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से इनपुट्स, और एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, रेगुलरली पढ़नी चाहिए, प्रीवियस कुछ एग्जामिनर रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर सवाल में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, कहाँ स्टूडेंट ने मिस्टेक्स की, तो वो जो मिस्टेक्स होंगी वो अल्टीमेटली अगर ना रिपीट की जाए तो उससे एग्जाम में काफी बेनिफिट हो जाता है, इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एग्जाम रिपोर्ट्स को फोकस करें और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। तो जून 2022 की रिपोर्ट्स की कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने पीपीटी में डाले हुए थे और कुछ और एक्सट्रैक्ट जो हैं हम यहाँ से
पढ़ने की कोशिश करता। देखें, दिस इज द एग्जामिनर रिपोर्ट। यहाँ इन्होंने कंक्लूजन ऑफ रिपोर्ट में बताया हुआ है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम थोड़े से डिस्कस भी कर चुके। चार एरियाज के अंदर उनकी प्रोफिशिएंसी होती है। उनके पास सफिशिएंट प्रिसाइज नॉलेज होती है टैक्स रूल्स की, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज होती है प्रीवियस यूके टैक्स पेपर की, वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, वो रिक्वायरमेंट को केयरफुली एड्रेस करते हैं, सिनेरियो पे अप्लाई करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं और प्लान करके आंसर लिखते हैं ताकि टाइम को मैनेज किया जा सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन बी से स्टार्ट किया, 20 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पता है कि मुझे इसके लिए 36 मिनट दिए गए हैं, मैक्सिमम 40, तो 40 मिनट पूरे हुए, आपने उसको छोड़ दिया। या कोई पार्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता, नहीं की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर एग्जामिनर रिपोर्ट को स्टार्ट से देखा जाए, तो यहाँ पर उन्होंने एक सजेशन ये दी हुई है कि जी पास्ट एग्जाम पेपर से आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये आइडिया हो कि स्टाइल क्या होता है आंसर लिखने का, प्रेजेंटेशन कैसी होती है, मॉडल आंसर से आपको पता लगेगा और आप फिर उसी को कॉपी करने की कोशिश करें। सवाल में जो ट्रिगर्स दिए हुए होते हैं, की इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। अगर कम्युनिकेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट को केयरफुली पढ़ना है, रिक्वायरमेंट की जो वर्डिंग्स दी हुई है उसको केयरफुली पढ़ना है, कैलकुलेट लिखा हुआ है, एक्सप्लेन लिखा हुआ है, एडवाइस लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर एक्सप्लेन और एडवाइस लिखा हुआ है और साथ सपोर्टिंग कैलकुलेशन है, तो सिर्फ कैलकुलेशन काफी नहीं होगी। इसी तरह अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं और कैलकुलेशन नहीं करते, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शुड आल्सो पे अटेंशन टू एनी मैटर विच द क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट डू नॉट नीड टू बी कवर्ड, तो वो कवर करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से डू नॉट प्रोवाइड जर्नल एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन। अगर ये लिखा हुआ है सिंपली कैलकुलेट, तो व्हाई यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एग्जामिनर को आपके एक्सप्लेनेशन की कोई हाजत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्किंग जहां पर आपको शो करनी है, तो एक्सेल के अंदर आप, अब जहां आपको एक्सेल इस्तेमाल करनी हो आप एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, जहां आपको वर्ड पे काम करना है वर्ड पे काम करेंगे, कोई भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन वाइज, इसको आप लेटर ऑन देखेंगे जब कुछ टैक्स की नॉलेज आ जाएगी, तो उसके बाद इस रिपोर्ट को डिटेल में चेक किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स से। सारी लेक्चर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगे, तो जो भी इनहेरिटेंस टैक्स की कोशिश होगी कि लाइव क्लास जो भी हम रखें उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो डिस्कस किए जाएं, और कुछ किट से कुछ पार्ट क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस की जाए, ताकि स्टूडेंट को आइडिया हो कि एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आज क्योंकि हमारा पहला डिस्कशन हो रहा है, तो मैं एक आईएसटी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स कहाँ अप्लाई होता है, किन सिचुएशंस पे अप्लाई होता है। काफ़ी इजी और डिसेंट जो ना वो सिलेबस एरिया है। इनहेरिटेंस टैक्स IHT, दो सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें IHT को अप्लाई करना होता है। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट्स, यानी कि एक शख्स अपनी जिंदगी में किसी को गिफ्ट देता है जबकि वो अलाइव हो, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम गिफ्ट्स।
दूसरा होता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के वक्त जो उसने अपनी विल में नॉमिनेट किया हुआ होता है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, विच इज कॉल्ड डेथ स्टेट। यानी कि उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज वगैरह फाइंड आउट की जाएंगी और जिन जिनको उसने विल में नॉमिनेट किया है उन्हें दिया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। ये दो सिचुएशन के ऊपर आईएसटी पूरा बेस करता है। सिचुएशन नंबर वन, अगर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में किसी को कोई गिफ्ट करता है तो वो जो गिफ्ट होगा वो दो कैटेगरीज के अंदर प्राइमरली डिवाइड होता है। ऑल दो तीन कैटेगरी भी करते हैं इसके, लेकिन दो प्राइमरीली कैटेगरीज होती हैं। एक वो लाइफ टाइम गिफ्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं पेट, और दूसरा होता है जिसको हम नाम देते हैं सीएलडी। पेट स्टैंड्स फॉर दोज गिफ्ट्स व्हिच आर कॉल्ड पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होते हैं। एक कैटेगरी आप यहां पर ये भी बना सकते हैं कि वो जो एग्जेम्प्ट होते हैं, एक हो गया पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, और सीएलटी स्टैंड्स फॉर चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। ये दो कैटेगरीज बना लेते। अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर एक शख्स अपनी जिंदगी में कोई गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट कब पोटेंशियली क्लासिफाई होगा और कब चार्जेबल क्लासिफाई होगा। और फिर पोटेंशियली की आगे डिस्कशन चलेगी और चार्जेबल की आगे डिस्कशन चलेगी, कौन टैक्स पे करेगा, कैसे लगेगा, कितना रेट होगा अकॉर्डिंगली। तो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर आइडेंटिफाई करने के लिए और चार्जेबल आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर हम चार्जेबल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली चार्जेबल ट्रांसफर वो लाइफ टाइम गिफ्ट होते हैं जो कि नॉर्मली किसको दिए जाते हैं, ट्रस्ट को दिए जाते हैं। और पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर वो गिफ्ट्स होते हैं जो अदर देन ट्रस्ट को दिए जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से बिल्ड कर। अदर देन ट्रस्ट का मतलब होता है अपने बेटे को गिफ्ट किया, अपनी बेटी को गिफ्ट किया लाइफ टाइम में, ब्रदर को गिफ्ट किया, यानी कि जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको गिफ्ट किया। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर स्पाउस को दिया, इंटर स्पाउस ट्रांसफर हुआ, या सिविल पार्टनर को दिया तो वो क्या होगा, तो वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है। इंटर स्पाउस ट्रांसफर जब भी होगा, चाहे मरते वक्त हो, लाइफ टाइम के ऊपर हो, इंटर स्पाउस ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, एएसटी पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट। यानी कि हस्बैंड गिफ्ट करता है अपनी वाइफ को तो एग्जेम्प्ट, वाइफ गिफ्ट करती है हस्बैंड को तो एग्जेम्प्ट, सिविल पार्टनर दूसरे को गिफ्ट करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, चाहे वो विल में लिखा हुआ हो, लाइफ टाइम में ट्रांसफर किया, हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। ये सारे एग्जेम्प्ट वगैरह भी याद करने होते हैं, इन पे भी मार्क्स डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब कैटेगराइज क्या हो गए, लाइफ टाइम गिफ्ट या तो पीईटी होगा या सीएलटी होगा। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स बिगिन विथ सीएलटी, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। एज द नेम सजेस्ट कि ये जो ट्रांसफर है, चार्जेबल का मतलब है ये टैक्सेबल होता है। कब टैक्सेबल होता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेट दी गई कि जी 30 जून 2021 को आपने गिफ्ट दिया किसी ट्रस्ट को, तो आप इसका रेलेवेंट टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें। इसका रेलेवेंट टैक्स ईयर बनेगा 21-22, ये इसका रेलेवेंट टैक्स ईयर है। तो इस टैक्स ईयर के अंदर इस गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा, कौन देगा टैक्स। लाइफ टाइम सीएलटी के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है वो चॉइस होती है, या तो गिफ्ट देने वाला दे सकता है विच इज कॉल्ड डोनर, विच इज कॉल्ड डोनर, या ट्रस्ट दे सकता है, ट्रस्ट को हम कहते हैं डोनी, जिसको गिफ्ट दिया गया। ये म्यूचुअली डिसाइड कर लिया जाएगा कि गिफ्ट देने वाला टैक्स पे करेगा या गिफ्ट रिसीव करने वाला टैक्स पे करेगा। दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी टैक्स दे दिया जाए, नॉर्मली देखें टैक्स रेट जो है ना टैक्स शीट में स्पेसिफाई होता है और वो है 20%। लेकिन अगर डोनर टैक्स देता है तो उसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो 20 नहीं बनता, वो 25 बनता है। तो ये याद कर लिया जाए
कि जब दोनी पे करेगा तो रेट ऑफ टैक्स जो सीएलटी पे लगेगा लाइफ टाइम वो 20% लगेगा, और जो डोनर देगा तो उसका रेट बनेगा 25%। रीजन चेंज होने का ये होता है कि जो डोनी गिफ्ट दे रहा होता है, जो डोनी टैक्स पे कर रहा होता है, उसको हम ग्रॉस गिफ्ट कंसिडर करते हैं, और जो डोनर टैक्स पे कर रहा होता है उसको हम नेट गिफ्ट कंसिडर करते हैं। तो इस नेट और ग्रॉस के चक्कर में रेट हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वरना जो लाइफ टाइम टैक्स रेट है वो 20% है, वो 25% नहीं है। तो अब ग्रॉस और नेट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, याद कर लें कि डोनी पे करेगा तो 20%, और अगर डोनर पे करेगा तो 25% लाइफ टाइम टैक्स रेट हम अप्लाई करेंगे। अब होता क्या है कि डोनर या डोनी ने टैक्स दे दिया, तो क्या फर्दर कोई और टैक्स लगेगा? तो अब यस पॉसिबिलिटी है, डोनर की डेथ को चेक किया जाएगा। जब लाइफ टाइम में उसने आपको गिफ्ट दिया तो अब उसकी डेथ कब हुई वो चेक किया जाएगा। अगर डोनर की डेथ विद इन 7 ईयर्स हुई तो क्या होगा, डेट ऑफ गिफ्ट से। और अगर उसकी डेथ गिफ्ट के आफ्टर 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल 1 दिन समझ लें, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो, ये 7 ईयर्स रूल कहलाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ट्रस्ट को कोई गिफ्ट किया, उस वक्त उसने टैक्स दे दिया, डोनर ने या डोनी ने, उसके बाद वो 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल के बाद डोनर की डेथ हो गई, तो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा टैक्स। और वो एडिशनल टैक्स कौन देगा, डोनर की तो डेथ हो चुकी है, अंडरस्टूड बात है कि वो कौन देगा, वो ट्रस्ट देगा या डोनी देगा। और अगर ट्रांसफर के 7 साल के बाद डेथ हुई, इवन 1 दिन के बाद हुई, तो नो फर्दर टैक्स, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ टाइम पे भी टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, और डेथ के ऊपर अगर वो दोबारा टैक्सेबल होता है, एडिशनल टैक्स लगता है, तो उसकी भी कंपटीशन आपको सीखनी पड़ेगी। डेथ का जो रेट होता है ना, टैक्स रेट, वो आपको टैक्स शीट में दिया हुआ है, और वो है 40%। अच्छा, इस 40% का ये मतलब नहीं है कि 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 40 और देंगे। इसका मतलब है अगर 20 दे दिया था तो एडिशनल 20 देना पड़ेगा, फाइनल रेट 40% अगर देना पड़ेगा तो। और अगर 20% दे दिया था और अब टैक्स नहीं देना है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ कितना टैक्स देना पड़ा, 20% टैक्स देना पड़ा। कैलकुलेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने लाइफ टाइम गिफ्ट किया और वो सीएलटी क्लासिफाई होने के बजाय पीटी क्लासिफाई हुआ, तो ये कहलाता है पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, यानी के एट द टाइम ऑफ गिफ्ट इट इज एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर। लाइफ टाइम में लग रहा था, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ना डोनर ना डोनी किसी को भी टैक्स देने की जरूरत, किसी से भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे क्या होगा, अब अगर 7 साल का रूल दोबारा देखा जाए, तो जब डोनर की डेथ होगी तो सेम रूल अप्लाई होगा जो अभी हमने सीएलटी में किया था, बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर डोनर की डेथ होती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ द ट्रांसफर तो क्या होगा, और अगर उसकी डेथ होती है आफ्टर 7 ईयर्स तो क्या होगा। तो विद इन 7 ईयर्स अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो पीईटी था अब वो फाइनली टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्स कौन देगा, टैक्स देगा डोनी।
और रेट क्या होगा, रेट होगा 40%, क्योंकि उसने इन द टाइम ऑफ ट्रांसफर कोई टैक्स नहीं दिया होगा, तो फाइनल टैक्स 40% पे होगा। लेकिन अगर सरवाइव कर लिए 7 साल डोनर ने, तो नो टैक्स। इसका मतलब है ना लाइफ टाइम पे टैक्स, और जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर था, जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट गिफ्ट था, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोटेंशियली एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये पार्शियल टैक्सेबल होता है, या समटाइम्स ये 100% जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ये दो कैटेगरीज अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो कैटेगरीज किस तरह से बनती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गिफ्ट किया जाता है उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो गिफ्ट की जो वैल्यू होती है ना, उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एक शख्स अगर दूसरे शख्स को कोई चीज दे रहा है, तो उसकी जो वैल्यू थी ना, उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो उसकी पॉकेट से निकली और दूसरे की पॉकेट में ट्रांसफर हो गई। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और ये जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है ना, ये बगैर कंसिडरेशन के होती है, तभी तो गिफ्ट होता है। अगर मैं आपको कहूँ ये मोबाइल आप रख लो और इसके बदले मुझे आप 2,000 रुपये दे दो, मोबाइल 50,000 रुपये का है, 2,000 रुपये दे दो, तो वो गिफ्ट कहाँ से हुआ? गिफ्ट का मतलब होता है उस इन रिटर्न आप उससे कुछ भी नहीं ले रहे, वरना वो गिफ्ट नहीं होता। तो अभी जो ट्रांसफर वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में क्या होती है, गिवन होती है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट, कब? इन केस ऑफ शेयर्स, यानी कि गिफ्ट ऑफ शेयर्स जब भी आपको दिए जाएंगे, तो इसमें लाइकलीहुड है कि ये आपको दिया जा सकता है कि जी कैलकुलेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क कर लिया मैंने कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कि आपको बताया जाएगा कि मिस्टर एक्स ने 10,000 शेयर्स मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिए। वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है। अब आप वो वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके मैं एक इंट्रो आपको दे देता हूँ, फॉर्मूला ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने का। वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो उसके पास शेयर्स थे ट्रांसफर होने से पहले, उनकी वैल्यू क्या थी वो निकालेंगे। फिर उसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर ट्रांसफर, जो उसके बाद बाकी शेयर्स बच गए उनकी वैल्यू कितनी है। तो जो डिफरेंस आएगा ये होगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मसलन फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास 10,000 शेयर्स थे, उसने 10,000 में से 2,000 शेयर्स किसी को गिफ्ट कर दिए, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर 10,000 की वैल्यू चेक की गई, 10,000 की वैल्यू आई 1 लाख। उसके पास अब कितने शेयर्स बच गए, 8,000, 2,000 उसने गिफ्ट कर दिए, 8,000 की वैल्यू कैलकुलेट की गई, 8,000 की वैल्यू आ रही है 60,000। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले उसकी वेल्थ थी 1 लाख, ट्रांसफर करने के बाद वेल्थ बाकी कितनी बची, 60,000। तो वेल्थ चली कहाँ गई, वेल्थ चली गई किसी और की पॉकेट में। इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे आगे जाके, अभी फिलहाल जस्ट एन आइडिया, या आप लेक्चर्स में से देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो 40,000 हमारा बिगिनिंग ऑफ द पार्ट होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। या तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगी तो पहले हम निकालेंगे, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा क्वेश्चन का। फिर उसके बाद जो चैलेंज आपके सामने आएगा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने के बाद जो चैलेंज आएगा वो है एग्जेम्पशंस, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जेम्पशंस, उसकी डिटेल पे बात करेंगे। एग्जेम्पशंस पैट में भी होती हैं, एग्जेम्पशंस सीएलटी से रिलेटेड भी होती हैं, लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस की बात करते हैं। एग्जेम्पशन लाइफ टाइम भी होती हैं, लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस भी होती हैं, एग्जेम्पशन ऑन डेथ भी होती हैं। हम लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस की बात कर फिलहाल। तो लाइफ टाइम एग्जेम्पशन में हमारे पास एक एग्जेम्पशन है, वन ऑफ द काइंड जो डिस्कस हम कर रहे हैं आज, और वो है एनुअल एग्जेम्पशन। जो भी एग्जेम्पशंस आएंगी, जो भी रिलीफ्स आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट,
एनुअल एग्जेम्पशन। अब ये एनुअल एग्जेम्पशन टैक्स ईयर के हिसाब से होती है कि हर टैक्स ईयर में आपको एनुअल एग्जेम्पशन मिलती है। टैक्स ईयर यूके के अंदर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से और एंड होता है 5 अप्रैल। 6 अप्रैल 21 से 6 अप्रैल 22 टैक्स ईयर बना 21-22, करंट टैक्स ईयर जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप किसी ने 30 जून को गिफ्ट दिया 30 जून 21 को, तो वो टैक्स ईयर 21 में आ जाएगा। इसी तरीके से हम टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये एनुअल एग्जेम्पशन क्या होती है कि जो करंट टैक्स ईयर होता है ना, जो गिफ्ट का ईयर होता है, उस करंट ईयर में आपके पास 3000 पाउंड की एनुअल एग्जेम्पशन, यानी कि आप अपनी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से ये 3000 पाउंड माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर टैक्स देंगे। ये पूरे साल की है, ये हर गिफ्ट की नहीं है। एक साल में अगर आपने 5 गिफ्ट किए तो जो पहला गिफ्ट होगा उसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगी। गिफ्ट बाय गिफ्ट नहीं होगी, ये आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, किसी ने फॉर एग्जाम्पल पिछले साल कोई गिफ्ट नहीं किया, तो उसकी जो पिछले साल के 3000 थे, क्योंकि हर साल 3000 होते हैं, तो वो अनयूटिलाइज रह गई, वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो टैक्स अथॉरिटी कहती है आप उसको भी ऐड कर लें, प्रीवियस ईयर अनयूज्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें कि हम जब मोबाइल कार्ड लोड करते हैं, बैलेंस डलवाते हैं, तो हमारा जो पुराना बैलेंस होता है ना, वो नया लोड करने से पुराना उसके साथ एड अप हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा करंट टैक्स ईयर चल रहा है 21-22, इसमें हमने एक गिफ्ट किया 50,000 का, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी हुई? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 50,000, इसमें से हम एग्जेम्पशन माइनस करें। तो 21-22 की एनुअल एग्जेम्पशन जो आपके करंट ईयर है 21-22, वो हमने कितना माइनस कर दिया? 3000। पिछले साल का माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, पिछला साल देखना पड़ेगा। अगर पिछला साल आपने कोई गिफ्ट नहीं किया तो वो अनयूटिलाइज था, अगर यूटिलाइज कर लिया था फिर नहीं लेंगे। तो वो प्रीवियस एक साल आपने 3000 और ले लिए, तो ये 6000 माइनस हो गए। इसका मतलब है टैक्स 50,000 पे नहीं लगेगा, टैक्स जो होगा वो 6000 माइनस करने के बाद 44,000 जो आएगा, इसको नाम दे देंगे चार्जेबल अमाउंट, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दो चीजें हो गई, एक होती है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वो फाइंड आउट करनी है, उसके बाद तमाम एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद चार्जेबल अमाउंट फाइंड आउट कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने गिफ्ट किया टैक्स ईयर 21-22 में, चाहे वो सीएलटी था या पीईटी था, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसने 15 जून को गिफ्ट किया अपने बेटे को, जिसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 60,000 पाउंड, और फिर 15 अक्टूबर को उसने ट्रस्ट को गिफ्ट किया जो कि सीएलटी बना, उसकी वैल्यू थी 100,000। अब ये दोनों गिफ्ट 21-22 में फॉल हो रहे हैं ना, 21-21 दोनों गिफ्ट 21-22 में फॉल हो रहे हैं। तो जब हम पहले वाले गिफ्ट के बारे में वैल्यूएशन करेंगे, फर्स्ट वन के बारे में, ये फर्स्ट हो गया, ये टू हो गया, तो ये पेट बना, ऑल्दो पेट एग्जेम्प्ट होता है लेकिन चार्जेबल अमाउंट फिर भी निकालेंगे, उसी लॉजिक के क्यों निकालते हैं, चार्जेबल अमाउंट फिर भी निकलेगा। तो पैट का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितना दिया हुआ है? पैट का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू दिया हुआ है 60,000। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई, अब एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करें। तो एनुअल एग्जेम्पशन हमारे पास सबसे पहले करंट ईयर की लेंगे, करंट ईयर की पहले लिखनी है, करंट ईयर यानी कि 21-22 के अपने 3000 पूरे यूटिलाइज हो गए 60,000 में। उसके बाद हम पीछे देखेंगे 20-21, पीछे हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं था, उसके 3000 यूटिलाइज कर लिए, और ये हमारे पास चार्जेबल अमाउंट आ गया 54,000। अब ये पहला गिफ्ट का चार्जेबल अमाउंट निकल गया, इससे आगे टैक्सेबल की वर्किंग
हो जाएगी या नहीं होगी, वॉट एवर जो भी है। लेकिन जब हम दूसरे गिफ्ट के ऊपर जाएंगे जो कि हमने ट्रस्ट को दिया है, जब उसका हम लाइफ टाइम टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे, तो उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 1 लाख एनुअल एग्जेम्पशन। अब ये एनुअल एग्जेम्पशन हमारी हो गई जीरो। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि हम ऑलरेडी 21-22 में इस्तेमाल कर चुके हैं। 21-22 भी इस्तेमाल हो चुका है, 20-21 भी पूरा इस्तेमाल हो चुका है। अगर 21 में कुछ बच जाता तो वो इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता, कुछ भी नहीं बचा, पूरा यूटिलाइज हो गया। तो अगले गिफ्ट के लिए जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है वही चार्जेबल अमाउंट बन गया। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि एग्जेम्पशन की यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है। उसके बाद एग्जेम्पशन और भी आगे आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेडिंग एग्जेम्पशन आती हैं। वेडिंग पे गिफ्ट मिला तो वेडिंग एग्जेम्पशन पता होनी चाहिए। इसी तरीके से छोटी वैल्यू के जो गिफ्ट होते हैं, स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन। इसी तरीके से आपका गिफ्ट टू चैरिटी, चैरिटी से रिलेटेड एग्जेम्पशन, या गिफ्ट टू, यस पूछे, सवाल पूछे, पॉलिटिकल पार्टीज। सर, ये जो एनुअल एग्जेम्पशन चेक करते हैं, ये जो ऊपर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जी ये जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसके हिसाब से हैं या जो देता है उसके हिसाब से हैं, यानी कि देखें, जो टैक्स किस? टैक्स तो देने वाले या रिसीव का किसी एक को देना है ना, जी, जिसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे एक ही बात है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसके हिसाब से, क्योंकि दोनों के लिए एक ही है। तो फिर ये एनुअल एग्जेम्पशन जो है, ये जो है फर्ज करें लेने लेने वाले के ऑलरेडी एग्जेम्पशंस हो चुकी हैं और देने वाले की अभी एग्जेम्पशंस यूज नहीं हुई, तो फिर किसकी ये एनुअल एग्जेम्पशन है? एनुअल एग्जेम्पशन इस लिहाज से नहीं देखी जाएगी। आप पहले जी डिसाइड कर लें किसको टैक्स देना है। अच्छा, फॉर ठीक है, एग्जाम्पल, यानी कि मैंने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, जी, और मैं आपसे कह रहा हूँ आप टैक्स दें, ठीक है। अब आपकी एग्जेम्पशन ऑलरेडी पिछली यूटिलाइज हो चुकी थी, क्योंकि 10 दिन पहले आपने किसी और से गिफ्ट लिया था। तो अब मैंने जो आपको गिफ्ट दिया उस पर एनुअल एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक, यानी कि ये वाली एग्जेम्पशन जो है जिसने टैक्स देना होता है उसके लिहाज से देखनी होती जी बिल्कुल, या तो डोनर या डोनी। है, यानी कि जी वही अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि डोनी टैक्स देगा तो डोनी की एनुअल एग्जेम्पशंस देखेंगे, बिल्कुल अगर हमने बिल्कुल, डिसाइड कर लिया डोनर तो फिर डोनर की देखेंगे। डोनर के हिसाब से देखें। ठीक, अच्छा सर, दूसरा सवाल था, यानी कि हमने ये वाली ऑप्शंस कवर की कि अगर वो यानी कि स्पाउस को देता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, और जी ये जो सन या डॉटर को देता है तो वो पेट है, और अगर पेट है ट्रस्ट और को देता है वो सी एल टी सीएलटी है, बनेगा। अगर वो किसी दोस्त को देता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ट्रस्ट के अलावा, नॉर्मली ट्रस्ट के अलावा, क्योंकि जी ट्रस्ट सी एल टी में जा रहा है ना, तो अदर जी देन ट्रस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पेट बनता है। तो दोस्त हो, खाला हो, पुप्पी हो, चचा हो, मामू हो, एनी वन, रिश्तेदार हो, भतीजा भांजा हो, नवासा नवासी हो, फादर हो, ग्रैंडफादर हो, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, यानी कि सिर्फ अच्छा ट्रस्ट के लिए सीएलटी है, बाकी जी सारा कुछ पेट में जाएगा। ठीक जी एक स्पेसिफिक ट्रस्ट की एग्जाम्पल है जो पीटी में भी कवर होती है, लेकिन वो आपको नोट्स में नजर आ जाएगी, लेकिन आप उसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट इज सीएलटी ऑलवेज। ठीक बाकी फिर आगे ट्रस्ट की एक छोटा सा टॉपिक भी है ट्रस्ट से रिलेटेड, कि ट्रस्ट की टाइप्स क्या होती हैं, वो फिर वो अलग इशू है, राइट। ठीक ठीक थैंक यू। जी, अच्छा जी, अच्छा कुछ एग्जेम्पशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ याद करने की होती हैं, कुछ एग्जेम्पशन ऐसी होती हैं जिसको अप्लाई करें, जैसे ये एग्जेम्पशन अप्लाई करने वाली है, चेक करना पड़ता है नहीं है, ठीक है। वेडिंग एग्जेम्पशन अप्लाई करनी पड़ेगी। वेडिंग, शादी के मौके पर जिसको भी गिफ्ट दिया जा रहा है, ग्रूम एंड ब्राइड जिसको भी दिया जा रहा है, तो देने वाला कौन है? देने वाले पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, सही है, ब्राइड टू ग्रूम हो सकते हैं, ग्रूम टू ब्राइड हो सकते हैं, अदर रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो सबके हिसाब से एग्जेम्पशन मेंशन की हुई। पेरेंट्स देंगे तो इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, ग्रैंड पेरेंट देंगे तो इतना अमाउंट, वो अमाउंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह स्मॉल गिफ्ट के अगेंस्ट एक अमाउंट है,
अगर इतने अमाउंट का गिफ्ट होगा तो स्मॉल में आएगा, वरना आएगा ही नहीं, फिर वो स्मॉल गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसकी चीजों को आपको मेमोराइज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो ये तो एग्जेम्पशंस की बात हो गई, ठीक है। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक रिलीफ हमारे पास आता है जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम चार्जेबल अमाउंट पे पहुंच जाते हैं, चार्जेबल अमाउंट की डेफिनेशन क्या बनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से जब आप एग्जेम्पशन सारी माइनस कर देते हैं, जितनी भी अवेलेबल होती हैं, जितनी भी आपको मिलेंगी, तो आप पहुंच जाते हैं चार्जेबल अमाउंट पे। चार्जेबल का वर्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन चार्जेबल पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि चार्जेबल में से एक रिलीफ माइनस होता है, यानी कि एनुअल एग्जेम्पशन माइनस होने के बाद एक और इंसेंटिव है, और वो इंसेंटिव का नाम क्या है, उसको हम रिलीफ का नाम दे रहे हैं, और रिलीफ का नाम क्या है, उसका नाम है निल रेट बैंड, NRB। ये बड़ी कमाल की चीज़ और काफी टेक्निकल है, काफी टेंशन देती है स्टूडेंट्स को, NRB। ये NRB अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो माइनस करेंगे, क्या होगा, अवेलेबल होगा तो माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेक करना पड़ेगा कि इस इंडिविजुअल, चाहे वो डोनर हो या डोनी हो, उसके पास इस साल कोई NRB अवेलेबल है, अगर होगा तो माइनस कर देंगे, नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे। कितना होगा ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है टैक्स ईयर 16-17 का, कि वो 3 लाख है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अवेलेबल कितना होगा इसकी आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। मसलन 3 लाख है, अवेलेबल भी 3 लाख, माइनस कर देंगे। 3 लाख है लेकिन अवेलेबल सिर्फ 50,000 है, माइनस कर देंगे। 3 लाख है लेकिन अवेलेबल 0 है, तो 0 माइनस करेंगे। अब ये बड़ा ट्रिकी है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इतना अवेलेबल होगा, इसका पूरा एक रूल है, वो आप आगे फॉलो करेंगे कैसे माइनस कर। अगर आपने इसे माइनस कर दिया, चाहे 0 हो, अमाउंट हो, एनीथिंग, माइनस कर दिया, चार्जेबल अमाउंट था सपोज 3 लाख, 3 लाख में से आपने 2 लाख माइनस कर दिया, कुछ बचना चाहिए। अगर कुछ नहीं बच रहा तो इसका मतलब है फिर कुछ भी नहीं होगा, टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ अमाउंट बच गया तो फिर आपके हाथ में क्या आएगा, टैक्सेबल अमाउंट, और इस पे टैक्स लगेगा। तो आपके पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से क्या माइनस हुआ, एग्जेम्पशन माइनस हुई, चार्जेबल अमाउंट आया, चार्जेबल में से एनआरबी चेक किया गया वो माइनस हुआ, तो टैक्सेबल अमाउंट आया। अब इस टैक्सेबल अमाउंट पे लाइफ टाइम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो डोनर या डोनी के हिसाब से देखेंगे कौन टैक्स दे रहा है, 20% लगा देंगे या 25% लगा देंगे। ये आपका आ गया IHT पेबल, जो कि आपको टैक्स देना है, या तो डोनर को देना है या डोनी को देना है।